शारदीय नवरात्र के लिए माता वैष्णो देवी का दरबार सज कर तैयार। भैरव घाटी में लगेगा 24 घंटे का लंगर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमा सांची महोत्सव शुरू। 16 अक्टूबर को निकलेगी उमा माता की सवारी। वाराणसी में महिलाओं ने मिट्टी पर उकेरी बाबा विश्वनाथ की प्रतिकृति। गंगा कलश को जल्द मिलेगी नई पहचान। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए बनेगा विशेष ग्रंथ। पूजा में शामिल होंगे रामानंद संप्रदाय के विद्वान। कटरा में माता वैष्णो देवी का दरबार शारदीय नवरात्र के लिए सज कर तैयार है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा से लेकर भवन तक जगह जगह श्रद्धालुओं को माँ वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के डिजिटल दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भैरव घाटी में बाबा भैरव नाथ मंदिर परिसर में 24 घंटे लंगर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मंगलवार से 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव की शुरुआत हो गई, जिसमें अगले 4 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 14 अक्टूबर को रात्रि जागरण होगा। इसके अलावा 16 अक्टूबर को उमा माता की सवारी निकाली जाएगी। मंदिर परिसर में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत गीत, नृत्य और भजन आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए मंदिर समिति द्वारा प्रस्तुति के लिए लोक कलाकारों का चयन भी किया गया है। वाराणसी में महिलाओं ने अलग अलग आकृतियां बनाने की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मिट्टी पर विश्वनाथ धाम और राम दरबार के साथ ही अनोखे कलश तैयार किए हैं। विलेज टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया, जहां 20 दिनों के गहन प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने अलग अलग आकृतियां बनाने की शुरुआत की। इस क्रम में उन्होंने बनारस के गंगा घाट को भी मिट्टी पर उकेरा। अयोध्या जी में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आयोजन के लिए लाखों की तादाद में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के आने जाने, रात्रि विश्राम, भोजन पानी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी तैयारियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अलावा रामलला के पूजन अर्चन विधि के लिए रामानंद संप्रदाय के आचार्यों द्वारा एक विशेष ग्रंथ तैयार किया जाएगा, जिसके अनुसार ही प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा। आगे चलकर मंदिर में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों को भी इसी ग्रंथ के अनुसार मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्रि को लेकर भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। रायपुर के महामाया मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में साफ सफाई, रंग रोगन का काम चल रहा है। इसके अलावा ज्योति कलश की रसीद भी काटी जा रही है। रायपुर के प्रसिद्ध माँ महामाया मंदिर में इस बार 35,000 ज्योत प्रज्वलित की जाएंगी। दूसरी ओर डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर में 10,000 ज्योत जलाई जाएंगी और यहां दर्शन के लिए 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के महाकाल लोक कॉरिडोर की तर्ज पर कई धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर के रूप में संवारने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में अब 100 करोड़ की लागत से लाल घाटी के गुफा मंदिर और खेड़ापति हनुमान मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। हनुमान लोक कॉरिडोर में स्वयं हनुमान जी के जीवन से संबंधित आकर्षक कलाकृतियां दिखेंगी और हनुमान चालीसा की चौपाइयां भी उकेरी जाएंगी।